हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बजाज फाइनेंस का शेयर मौका बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। देखिए ये शेयर पिछले कुछ दिनों में इतना उछल गया कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरने लग गए और सोच रहे थे कि थोड़ा करेक्ट हो जाए, थोड़ा और गिरावट आ जाए तो एक मौका दिखेगा इसमें इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए, अब कुछ करेक्शन ज़रूर आया है, एक नज़र डालते हैं इसके करेक्शन के ऊपर और देखते हैं टेक्निकल फंडामेंटल कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है बजाज फाइनेंस के शेयर में। रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टरली, वो रिजल्ट की डेट कब की है उसको भी देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रही। अब बजाज फाइनेंस जो है NBFC का बहुत बड़ा प्लेयर है, हर कोई, ये देखिए आप, ये शेयर को हर कोई इसीलिए खरीदना चाहता है क्योंकि आप पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखें इसमें तो 80% का है। लास्ट ईयर इस टाइम पे 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था और करंट प्राइस देखिए 4000 के आसपास की, तो 80% का। अगर मैं पिछले 2 साल का आपको इसका रिटर्न दिखाऊं तो 2 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट, देखिए ऑल्दो ये लास्ट ईयर भी 1900 के लेवल पे आया था लेकिन ओवरऑल अगर 2 साल का रिटर्न देखें तो वो भी 104% का। और यही नहीं, 3 सालों का रिटर्न आप देखिए, 3 साल पहले इस टाइम पे ये शेयर 1000 रुपये के आसपास हुआ करता था, तो ऑलमोस्ट आपके पैसे को 3 साल में 4 गुना कर दिया इस शेयर ने, 4 गुना, 4 टाइम। और अगर आप और ज़्यादा टाइम का डाटा देखोगे, 5 साल, 10 साल, तो आपको लगेगा हाँ भाई, बजाज फाइनेंस एक मल्टी बैगर शेयर है और इस शेयर को जिसने स्टार्टिंग में खरीदा और जो अभी भी खरीदेगा आपको लगेगा कि हाँ भाई यही शेयर है, मतलब बेस्ट एम बेस्ट। ढाई ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, कोई छोटा मार्केट कैपिटलेशन नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इस स्टॉक अगर मैं PEG रेशियो देखूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर बात करूँ प्रॉफिट ग्रोथ की तो 45% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज, मतलब प्रॉफिट इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, दैट इज़ अमेजिंग। सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 33% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के एवरेज, बहुत ही बढ़िया ये सेल्स ग्रोथ है। और अगर मैं आपको ये देखिए प्रॉफिट देखिए आप और रिवेन्यू देखिए, जो रिवेन्यू 400-500 करोड़ का हुआ करता था आज की डेट में 18,000 करोड़ हो गया 10 साल के अंदर, 18,000 करोड़। तो भाई जब रिवेन्यू इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 20 करोड़ हुआ करता था आज की डेट में 4,000 करोड़ हो गया, तो भाई रिटर्न तो देगा ही ना, क्योंकि प्रॉफिट ही इतना बढ़ रहा है। ये देखिए 50 पैसे का अर्निंग पर शेयर था और आज की डेट में ये 72 पैसा हो गया अर्निंग पर शेयर, तो 50 पैसे का अर्निंग पर शेयर 72 पैसा होना मतलब कि 144 टाइम्स अर्निंग पर शेयर बढ़ना उसके कंपेरिजन में, 144, क्योंकि आप सीधे सीधे डबल कर लीजिए यहाँ पे, 144 टाइम्स अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। आप कहोगे अरे वाह, ऐसा ही शेयर चाहिए, ऐसे ही शेयर में खरीदारी बनती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन नंबर्स को देखें, ये नंबर्स जब एक लगातार बढ़ते हुए नंबर्स आपको दिखेंगे ना तो आप कहोगे हाँ भाई, अब आपने ये किसी भी टाइम पर अगर इन टाइम पर भी ले लिया होता ये नंबर्स बढ़ रहे करके, और फिर भी अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो पिछले 4-5 सालों में आपको ज़रूर अच्छा रिटर्न दिया होता, नो डाउट। मान लीजिए कि पिछले 5 सालों में आपने ऑब्जर्व किया इस शेयर को, लेकिन अगले 5 साल आप देखिए कितने बढ़िया गए हैं। और अभी भी मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन मौका इस शेयर में इन्वेस्टमेंट का। अब मैं बात कर रहा था बजाज फाइनेंस के रिजल्ट की, तो ये देखिए 22 अक्टूबर 2019 को इसका Q2 फाइनेंशियल ईयर 20 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 22 अक्टूबर को। आज की डेट 14 अक्टूबर है तो अभी दिन बचे हुए हैं रिजल्ट आने में, और रिजल्ट का कैसा असर रहता है वो सब देखने को मिलेगा। और फिलहाल मैं इसको आज के कारोबार के बारे में बात करता हूँ, फिर आपको टेक्निकल की तरफ ले जाता हूँ, उस मौके की तरफ ले जाता हूँ। तो देखिए आज का जो कारोबार हुआ, आज बड़ी गिरावट देखने को मिली यहाँ पे 105% के आसपास की, तो जितनी बड़ी बड़ी ये गिरावट इसमें आएगी उतना बढ़िया मौका आपके लिए होगा आने वाले टाइम पे, अगर करेक्शन होता है तो बढ़िया मौका देखने को मिल सकता है। 17 लाख शेयर ट्रेड हुए जिसमें 6 लाख, मोर देन 6 लाख की जो शेयर्स है उसकी डिलीवरी देखने को मिली, दैट इज 37% जो शेयर्स है डिलीवरी देखने को मिली है, बड़ी डिलीवरी। आज की अगर ओपनिंग प्राइस देखा जाए तो 3988 के प्राइस से ओपन हुआ, हाई जरूर इसने 4000 को क्रॉस किया लेकिन फिर से करेक्ट हो गया। अब चलता हूं एक नजर टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल की जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये स्टॉक जो 20 सितंबर की डेट थी वहां से अचानक ऐसा जंप किया कि इसने ऑलमोस्ट 4100 के आसपास का हाई बना लिया। अब 4100 के हाई बनाने से पहले मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहता हूं, इस शेयर में इससे पहले गिरावट आई थी, मुझे लग रहा था कि कहीं ये शेयर इस 200 डे मूविंग एवरेज के 2800 के लेवल पे न जाए। देखिए मतलब जाता तो बहुत बढ़िया होता, लास्ट ईयर भी इस तरीके से बड़ी करेक्शन आई थी तो एक मौका था, इस साल भी करेक्शन जरूर आई जहां पे ये ऑलमोस्ट 3700-3800 के लेवल से गिर के
3000 के लेवल पे आ गया था और ये मौका था 3000 का लेवल। उम्मीद थी कि थोड़ा और करेक्शन अगर होता है और ये शेयर अपने ये 2500-2400 के लेवल पे आता है तब तो एक विन विन सिचुएशन आपके लिए होती। लेकिन कोई भी बंदा इस बजाज फाइनेंस जैसे शेयर में कभी भी जब उसको ऐसी गिरावट मिले खास करके 10 से लेके 30% की, तो वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है उसमें। अब यहाँ पे जब ये ऑलमोस्ट 3700 से गिर के 3000 के लेवल पे आया था, इसका मतलब कि ये 700-800 पॉइंट नीचे गिर गया था, तो सीधे सीधे 15 से 20% की ये गिरावट थी। 15 से 20% की इस गिरावट में काफ़ी लोगों ने एंट्री ली, काफ़ी लोगों ने खरीदारी करी और खरीदारी करने के बाद काफ़ी दिन कंसोलिडेट हुआ और धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम इसने दिखाया। लेकिन यहाँ पे मैं वही बात करता हूँ कि बार बार जैसे हम डिस्कशन करते हैं टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो देखिए शॉर्ट टर्म में आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए कल कंप्लीट, थोड़ा सा इस रिट्रेसमेंट को अगर मैं हटा दूँ तो ये कंप्लीट असेंडिंग ट्रायंगल था। और असेंडिंग ट्रायंगल में देखिए ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया 20 सितंबर की उस कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती के बाद, कटौती हुई, बड़ा ब्रेकआउट आया। उसके बाद शेयर ने, जनरली देखा जाता है कि जो हाई बनाता है इसके बेस का हाई बनाता है, यहाँ से एक टारगेट आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ी न्यूज़ थी तो ज़रूर इस लेवल, इससे कहीं ऊपर ही ये हाई बनाया गया। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 3450 के आसपास है और यहाँ पे ये 3000, तो 450 का टारगेट यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 350 का, ये स्टॉक तो कहीं 4100 के आसपास गया, उससे कहीं और। लेकिन इतनी बड़ी घोषणा होने के बाद, कॉर्पोरेट टैक्स की घोषणा होने के बाद, ये शेयर का आप टैक्स देखिए कितना ये टैक्स दिया करता था, तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक को काफ़ी बचत होगी टैक्स की वजह से। आप ही मान के चलिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 6000 करोड़ का था और आफ्टर टैक्स ये कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट कितना, 3890 करोड़। अब यही ये फ़ायदा, इसको सीधे सीधे ये फ़ायदा बेनिफिट इसको मिलेगा। जब इसको बेनिफिट मिलेगा तो शेयर में ज़्यादा करेक्शन अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल इस स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जिसको कहना है देखिए फ्लैग पैटर्न, जिसका एक पोल है और पोल पे ये फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर करेक्शन इस स्टॉक में आती है, फ्लैग के बेस से भी ये नीचे जाता है, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 3700 की रेंज में ये बन रही है, जो ये एक डिमांड जोन क्लियर दिख रहा है। और स्टॉक में अगर और करेक्शन आती है तो मुझे लगता है जो ये 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि फिलहाल 3600 की रेंज दिखा रहा है। तो ये रेंज जो है 3600 से 3800 के बीच में, ये एक अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के लिए देखने को मिल रही है बाइंग की। और अगर मैं इसी तरीके से नीचे आता हूँ थोड़ा सा, और ये जो मैं असेंडिंग ट्रायंगल का जो मैं फॉर्मेशन वाली ये नीचे वाली लाइन दिखा रहा था आपको, ये भी 3400 है। तो ये अलग अलग टाइम पे बजाज फाइनेंस ऐसा स्टॉक है कि अगर आपने सोचा कि भाई ये इस लेवल पे ख़रीदारी की जाए, इसमें मान लीजिए 3700 की रेंज में आ गया, यहाँ पे मैं इसमें ख़रीदारी करता हूँ, नहीं मैं वेट करूँगा नीचे आके, तो आपको मलाल होगा अगर ये यहीं से बाउंस बैक किया जाए। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी जो होती है इस तरीके के शेयर्स में, इस बड़े शेयर्स में, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, तो आप अपने, जैसे आपने 10 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर में से आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 2 शेयर यहाँ पे खरीद लिया, अगर नीचे आया तो आपको लास्ट मोमेंट पे आपको ज़्यादा शेयर रखने हैं, ताकि एटलीस्ट आपके यहाँ पे आपको मौका भी गंवाया नहीं गया। अगर शेयर वापस चले जाता, अगर नीचे आता, तो आपको एकदम ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ और आप यहाँ पे खरीद पाओ। ऐसे बड़े स्टॉक में इस तरीके की स्ट्रैटेजी काफ़ी काम आती है। फिलहाल मैं आपको इस स्टॉक के, जैसे मैं डिटेल की बात चल रहे थे, एक नज़र आपको ऑप्शन चेन की तरफ लेके जाता हूँ। ऑप्शन चेन के अगर मैं डेल्टा को देखूँ तो फिलहाल सारी कॉल्स के प्रीमियम देखिए नेगेटिव में पड़े हुए हैं, आप क्लियरली देख रहे होंगे। तो मतलब कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो कॉल्स तो नीचे गिरेगी, तो कॉल्स हमें बताती है टॉप का जो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे पुट पे फोकस कीजिए। पुट में मतलब, पुट लोग तब खरीदते हैं जब यहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होता है कि स्टॉक में अब गिरावट आएगी, इसलिए पुट खरीदते हैं। और दूसरा टर्म, पुट लोग इंश्योरेंस के लिए भी खरीदते हैं। मतलब सपोज आपने बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदा, आपने उसमें बुलिश हो, आप चाहते हो कि हाँ ये ऊपर जाए, लेकिन आप अपने इंश्योरेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए एक पुट खरीद के रख लेते हो कि भैया ये शेयर अगर 3600 के आसपास का आपने एक पुट खरीद के रख लिया। तो इस तरीके से जनरली एक हेजिंग कहते हैं जिसको, तो लोग इस तरीके से करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लोग FII जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इसीलिए उनको लॉस नहीं होता। वो उसी हिसाब से जितना वो कैश मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना यहाँ पे अपना जो है इंश्योरेंस लेके रखते हैं थ्रू पुट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट की बात करूँ, जो हम तो सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो सबसे पहले 3800 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहे हैं और बिल्टअप भी नया यहाँ पे हो रहा है। एक ऑलमोस्ट 1 लाख यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पुट खरीदे जा रहे हैं 3800 के। लेकिन ये बिल्कुल इमीडिएट अभी है, और इससे ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो 3700 पे भी अच्छा बिल्टअप देखने को मिल रहा है और 84,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, और उसके अलावा 3600 की रेंज में भी नए
1,10,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन हुए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 3,700 के आसपास लग रहा है, अगर मैं 3,800 के स्ट्राइक प्राइस को छोड़ दूँ तो। तो आप खुद चार्ट को भी देखिए और समझिए इसमें कि किस तरीके से इस रेंज पे फोकस मेजरली किया जा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है यहाँ पे बजाज फाइनेंस के लिए। चलिए मैं फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बजाज फाइनेंस का एक बेहतरीन स्टॉक है जो बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है, और बजाज फिनजब लिमिटेड इसका मेन प्रोमोटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आप अगर आपका ये फेवरेट स्टॉक है बजाज फाइनेंस और आप कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।